अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा विधि विधान से किया गया धर्म ध्वजा का पूजन। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा देवास के नेतृत्व में श्री चित्रगुप्त मंदिर गीता भवन देवास पर कोरोना महामारी के बाद सभी कायस्थ बंधुओं का मिलन समारोह हुआ। मिलन समारोह में कायस्थ रत्न रामचंद्र श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवास्तव, आशुतोष कुमार इस कोरोना काल में चले गए। उनको 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके तत्पश्चात भगवान श्री चित्रगुप्त जी की आरती एवं प्रसाद का लाभ लिया। इस अवसर पर अयोध्या जी से प्रदेश मंत्री चंद्रमोहन श्रीवास्तव, निखिलेश खरे, घनश्याम सक्सेना द्वारा लाई गई धर्म ध्वजा का विधिपूर्वक पूजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री रत्नेश श्रीवास्तव पधारे, उनका एवं सभी अतिथियों का श्रीफल एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव अशोक निगम, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप खरे, पूर्व जिला अध्यक्ष हेमेंद्र निगम काकू, महिला जिला अध्यक्ष सीता श्रीवास्तव, शशि खरे, जितेंद्र श्रीवास्तव, जितेंद्र दीपक श्रीवास्तव, बालकृष्ण श्रीवास्तव, स्वाति श्रीवास्तव, बंटी श्रीवास्तव, सुधीर श्रीवास्तव, मयंक श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, शैलेश कानूनगो, अंकित श्रीवास्तव, रश्मि श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, सीमा श्रीवास्तव, लीला सक्सेना, अमित श्रीवास्तव, नीति श्रीवास्तव, प्रियंका श्रीवास्तव, विष्णुकांता श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, सुरेंद्र खरे, निमेश श्रीवास्तव। कायस्थ महासभा देवास के अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि सर्वसम्मति से अशोक निगम मुन्ना को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला देवास का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अशोक निगम के जिला अध्यक्ष मनोनीत होने पर पीडी सक्सेना, डॉक्टर एमएस प्रदीप खरे, हेमेंद्र निगम काकू, पवन श्रीवास्तव, शैलेश कानूनगो, अनिल श्रीवास्तव, प्रवेश निगम, संजय निगम, शैलेंद्र निगम, बालकृष्ण श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव, जितेंद्र श्रीवास्तव, अमित निगम, आदित्य निगम, दीपक श्रीवास्तव, शिवम, आशुतोष कुमार आदि ने बधाई दी। गीता भवन में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा देवास के आह्वान पर पूजा अर्चना की गई और एक बैठक रखी गई, जिसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी रत्नेश श्रीवास्तव जी, चंद्रमोहन माथुर जी, खरे साहब और सक्सेना साहब पधारे और हमारे जिले के समस्त कायस्थ बंधु, चित्रांश बंधु पधारे। इस अवसर पर पूजा अर्चना कर आरती की गई, प्रसाद वितरण किया गया और चित्रगुप्त चौराहे के लोकार्पण की योजना के विषय पर चर्चा की गई। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी श्री रत्नेश श्रीवास्तव जी और चंद्रमोहन श्रीवास्तव जी से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया और जिले का जो अध्यक्ष पद रिक्त था उसकी पूर्ति के लिए अशोक निगम का नाम प्रस्तावित किया गया। इस विषय पर चर्चा हम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा देवास की ओर से प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर देवास पधारे। जय हिंद, जय भारत, जय चित्रांश। आज हम लोग इंदौर और देवास से प्रदेश के पदाधिकारी आज देवास के इस मंदिर पर उपस्थित हुए हैं और उज्जैन से हमारे चंद्रमोहन श्रीवास्तव जी जो उज्जैन के मंदिर ट्रस्टी भी हैं और आज निखिलेश खरे जी भी हमारे साथ में उज्जैन से आए हैं। आज एक विशेष अवसर था, भगवान चित्रूप जी का ध्वजा हम लोग यहाँ पर मंदिर के लिए लेकर के आए हैं, जिसका गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। एक विशेष अवसर था, आज आरती के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और कोरोना के बाद में ऐसा पहला अवसर प्राप्त हुआ कि जब हम लोग सामूहिक रूप से यहाँ पर आरती कर पा रहे हैं। तो मैं देवास की टीम को शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा, एक ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है चित्रूप चौराहे के रूप में, जिसके लिए आज आगे की प्लानिंग लिखी गई और मैं निश्चित रूप से ये आश्वस्त करता हूँ कि देवास की इकाई जिस तरह से एकत्रित संगठित होकर काम कर रही है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे मुकाम पर हासिल करेगी, समाज को बहुत आगे लेके जाएगी। धन्यवाद।